चुनाव में अजीबोगरीब नजारे देखने को मिल रहे हैं। बिहार के 40 लोकसभा सीटों का हाल अलग-अलग निकल कर दिखाई पड़ रहा है। दरअसल बिहार राजनीति की वो प्रयोगशाला है जहां अक्सर नई नई चीजें देखने को सीखने को मिलती है। और ठीक इसी प्रकार इस साल के चुनाव 2024 के आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव में एक ही घर के अंदर एक ही छत के अंदर दो नारे सुनाई दे रहे हैं। एक नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, दूसरा नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन महागठबंधन जिंदाबाद। एक घर के छत के नीचे एक हिस्से से आवाज उठती है, अब की बार दूसरे कोने से आवाज निकलती है कि लालू जिंदाबाद। एक तरफ फूल पर मुहर लगाए, दूसरे तरफ लालटेन को जलाए। ये सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक घर में दो पार्टियों के नेता कैसे रह सकते हैं, एक घर में दो पार्टियों के झंडे कैसे लग सकते हैं, और एक ही घर में दो पार्टियों के नेताओं के नारे कैसे सुनाई पड़ रहे हैं। घर के बच्चे कंफ्यूज कंफ्यूज सा माहौल में रह रहे हैं कि पापा को जिंदाबाद लगाएं या चाचा को जिंदाबाद कहें, समझ के बाहर बातें आने लगी है। दरअसल बिहार में सियासत के अंदर जो नई प्रयोगशाला की मिट्टी है, उस मिट्टी में नए नए प्रयोग के जो कण है वो डाले जा रहे हैं, और इसी प्रयोग के कणों के बीच एक दिलचस्प तस्वीर निकल कर सामने आ रही है बिहार के जमुई लोकसभा सीट से। जमुई में राष्ट्रीय जनता दल में कुछ घंटे पहले शामिल हुए नीतीश कुमार और एनडीए के मंत्री के भाई अब राजपूतों का खून है उबाल तो मारेगा, एक मयान में रहकर दो तलवारें अलग-अलग धाराओं में विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे से कैसे टकराएंगी, ये बड़ा सवाल। दरअसल बिहार में कई जगह ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जिस घर में कुछ वक्त पहले तक झंडा एक पार्टी एक दल एक निशान का था, कुछ घंटे पहले उस झंडे में बंटवारा हो गया, झंडा और दल परिवार के सदस्यों के साथ बंट गया। हालांकि चिराग पासवान की फैमिली भी इसमें पीछे नहीं है, हालांकि गनीमत है कि ऐन वक्त पर चाचा पशुपति और चिराग पासवान एक होने का संकेत दे दिए। लेकिन इधर कुछ सीटें ऐसी निकलकर सामने आई जहां झंडे लहराने लगे। इसी कड़ी में बिहार के बांका की अगर बात करें तो वहां की भी तस्वीरें बड़े दिलचस्प नजर आ रहे हैं। बांका में कई ऐसे नेता हैं जिनके घर में परस्पर दो विरोधी दलों के जिंदाबाद के नारों के साथ एक दूसरे के खिलाफ भी नारे लग रहे हैं। परिवार का एक सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरा सदस्य राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जिस जगह 26 अप्रैल को चुनाव है वहां रिश्तेदारी निभाएंगे दलीय नेता। जिस तरीके से बिहार के बांका जमुई जैसे जिलों में तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, वो तस्वीरें लोकसभा चुनाव के सियासत के पाठशाला में महत्वपूर्ण होगी। आपको बता दें कि पूर्व सांसद जनार्दन यादव भाजपा से जुड़े हैं, जबकि उनके दूसरे पुत्र मनोज यादव बेलहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व उम्मीदवार रह चुके हैं। उनके बड़े पुत्र अनिरुद्ध यादव राजद के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं। जेडीयू के बेलहर विधायक मनोज यादव के बड़े भाई संजय यादव झारखंड में राजद के प्रदेश महासचिव हैं। वे राजद उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव के लिए काम कर रहे हैं। वहीं जेडीयू विधायक मनोज यादव को पार्टी ने कटिहार संसदीय क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी के जीत दिलाने का जिम्मा सौंपा है।
भवन निर्माण मंत्री सह अमरपुर के विधायक जयंत राज जेडीयू से हैं, जबकि उनके चचेरे भाई सुमन सौरव भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से कई जो चेहरे हैं जो अलग अलग पार्टियों में फिलहाल दस्तक दे रहा है, यानी एक शख्स बीजेपी के साथ है तो परिवार का दूसरा सदस्य जेडीयू का, परिवार का तीसरा सदस्य राजद के साथ तो चौथा कांग्रेस के साथ। ये बांका में विधायक हैं बेलसंड से, उनकी बात है, ये कोई पहले नहीं है। अभी हाल ही में सुमित सिंह के भाई अजय प्रताप सिंह ने भी राजद की सदस्यता ले ली और जमुई से ले ली, जहां सुमित सिंह को चुनाव जिताने की जिम्मेवारी है एनडीए उम्मीदवार को। सुमित सिंह जब चलते हैं तो उनके काफिले में नारा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जिंदाबाद, जबकि अजय के लिए नारा लग रहा है लालू राहुल महागठबंधन जिंदाबाद। एक घर में दो नारे, बिहार के सियासत के नए प्रयोग की नई कहानी। अब देखना है कि इन नारों पर, इन हकीकत के वादों पर, इस घर में झंडा जो निकल कर सामने आ रहा है, उन झंडों में से किस निशान पर मतदान वाले दिन वोटिंग हो पाती है, क्या परिवार के अंदर से जो दो विरोध के ध्वनि आवाज स्वर जो निकलते हैं, क्या वो मतदान केंद्र पर अलग अलग लोगों के लिए भी वोटिंग करेंगे? जो लोग सियासत को जोड़कर परिवार से देखते हैं या जो परिवार को सियासत से जोड़कर देखते हैं, क्या उनके लिए ये धर्म संकट होगी? क्या सियासत, क्या राजनीति पे? और सबसे दिलचस्प बात कि इन सभी नेताओं के परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं है, बल्कि ये चुनाव लड़ाने और चुनाव जिताने के लिए पसीने बहा रहे हैं, परिवार से टकरा रहे हैं। लिहाजा खबर ये भी है कि क्या ये लोग रिश्तेदारी, भाईचारा, परिवार के बीच बंधे हुए डोर को निभाने के लिए पार्टी विचार से समझौता कर सकते। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।